बीते दो महीनों में बैंकों ने 6 लाख करोड़ के कर्ज दिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने दी जानकारी। 50 दिन में खुदरा कारोबारियों को 7.5 लाख करोड़ का नुकसान, सरकार को करीब 1.5 लाख करोड़ के राजस्व का हुआ नुकसान। 127 देशों में कोरोना के इलाज में असरदार दवा रेमडेसिविर बेचेंगी भारतीय कंपनियां, अमेरिकी फार्मा कंपनी गिलियड से किया गया करार। ब्रिक्स बैंक ने भारत को दिया $1 अरब का कर्ज, सामाजिक आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा इस्तेमाल। देशभर में सरकारी एजेंसियों ने किसानों से खरीदा 252 लाख टन गेहूं, पिछले साल इस समय हुई थी 298 लाख टन गेहूं की खरीद। इंडसइंड बैंक में निवेश कर सकती है जापान की इंश्योरेंस कंपनी, दोनों कंपनियों के बीच बातचीत का दौर जारी। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने कर्मचारियों को लाइफ टाइम के लिए दी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा, सामान्य कामकाज दिन की तरह ही मिलता रहेगा वेतन। लॉकडाउन से रियल एस्टेट सेक्टर को लगी भारी चपत, बिल्डर्स के 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट अटके। कोरोना वायरस की चपेट में होटल इंडस्ट्री, बड़े शहरों में 13 से 30% तक गिरी है आमदनी। और 10 लाख लोगों को राशन मुहैया कराने की पहल, गो धार्मिक को मिलेगा बॉलीवुड और खेल जगत का साथ, 10 लाख लोगों का राशन मुहैया कराने का है मिशन।